किसी ने शरारत की है अपना गौर साहब से, इन्होंने 1.2 अरब नहीं 2 अरब दिए हैं, 2 अरब रुपए। तो फैसल साहब की 1 अरब की आ गई एडवांस और 9 अरब, मैं कह दूं कि 9 अरब देंगे आप इंशाल्लाह कितने अरसे में। इधर इधर आ जाए ना, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, इधर आ जाए इधर आ। नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं दिल की बात करूं। आइए शाबाश, वो बता दें जितने वक्त में आप देना चाहें तो आपको अल्लाह ताला के हाँ बहुत कितने बताएं। 5 साल में इंशाल्लाह, 5 साल यानी सालाना 2 अरब रुपए। गौर साहब को मैं अलहदा बुलाऊंगा ताकि वो अलहदगी में बात करें। मैं इनसे गौर साहब अभी अगर आप ऐलान करना चाहें तो कर दें जी। ठीक है जी, आइए फिर यहाँ पर, यहाँ आ जाए फिर, यहाँ अब आ जाए यहाँ पे, अब आइए आइए, आप अपने मुंह से ऐलान करें। 5 साल में आप, हमारी तरफ से कमिटमेंट है वजीर आजम साहब को ओपन चेक की, किसी फिक्स्ड अमाउंट की नहीं, और हम हर जगह वजीर आजम साहब के साथ करें। इसे ओपन चेक 2 अरब रुपए हम इंडस हॉस्पिटल नहीं, मैं ओपन चेक की क्लोज चेक चाहता हूँ। और इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इसके बाद, जैसे कर्शी साहब ने कहा बड़ा खूबसूरत जुमला है कि चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसके अंदर हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं जैसे आपका ख्वाब है, तो बस और सालाना 1 अरब रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 10 अरब आपके नाम आ रहा है, बस हो गया जी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अब ओपन नहीं, दिस इज अ क्लोज ट्रांजेक्शन। और वैसे भी अपना ये माशाल्लाह बड़े कारोबारी लोग हैं, अफरीदी साहब भी हैं ये भी, तो और जायज काम इनके हुकूमत से पड़ते हैं, जायज काम, मैं नाजायज काम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जायज काम में पड़ते हैं। तो हुकूमतें जो हैं वो जो बाद को अफसर चाहिए